बहुत सारी भाषाएं सीख रहे हैं, जैसे हमने डोगरी सीखी है और अन्य भाषाओं का भी ज्ञान लिया है, उसी तरह से आपको पता भी होना चाहिए कि भाषा संगम में होता क्या है। संगम का मतलब होता है जब कुछ अलग अलग चीज़ों का हम एक साथ उनका एक, जैसे हम कहते हैं कि नदियों का संगम, उसी तरह से भाषा भी एक संगम है। हम एक भाषा से कभी भी काम नहीं चला पाते, हमारी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी हम कई अलग अलग भाषाओं का को बोलते हैं। जैसे हिंदी बोलते समय आप शुद्ध हिंदी नहीं बोल सकते, अंग्रेजी आप अभी इतनी नहीं जानते तो आप बीच में हिंदी के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, कुछ देशज शब्द होते हैं तो कुछ विदेशज शब्द होते हैं, तो इन सभी को जब हम एक साथ मिलाकर बोलते हैं उसे ही हम भाषा संगम कहते हैं। यहाँ हमने कई भाषाएं सीखी, कई बोलियाँ सीखी और आज बारी है हिंदी भाषा की। हिंदी भाषा से मुझे लगता है हम सभी परिचित हैं और हिंदी भाषा के बारे में हम सभी जानते हैं कि उसका क्या गौरव है, वो क्यों इतनी विशेष है। हिंदी भाषा हमारी राष्ट्रभाषा है, हमारी राजभाषा है, और ये हमारे लिए विशेष क्यों है या हमारी राष्ट्रभाषा क्यों बनी, क्योंकि जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था तो सिर्फ यही एक ऐसी भाषा थी जो पूरे राष्ट्र में बोली जाती थी, और इसी के इस महत्व को समझते हुए ही महात्मा गांधी ने भी इसी राष्ट्रभाषा के कारण पूरे देश को एक सूत्र में पिरोया था। सूत्र में पिरोने का मतलब है कि इसी भाषा के माध्यम से सभी भारतवासियों को हमारे देश की संस्कृति के लिए, इसके गौरव के लिए उनको सबको जागरूक किया। तो हिंदी भाषा वैसे तो हम सभी जानते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कन्नड़, मलयालम या किसी अन्य मातृभाषा या मातृभाषी होंगे, तो आज उन्हीं के लिए ये आज नया एक विशेष के लिए प्रस्तुति है भाषा, हिंदी भाषा के। धन्यवाद एवं शुभ दिवस। थैंक यू।